बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि काली लिनक्स में वाईफाई कैसे इनेबल करते हैं। तो कई दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की गई, हमने काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लिया है, तो वर्चुअल बॉक्स में उसकी वाईफाई बिल्कुल हमें शो नहीं हो रही। आज हम आपको बताएँगे कि काली लिनक्स जो वर्चुअल बॉक्स में आपने इंस्टॉल किया है उसमें वाईफाई कैसे इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ये रेड बटन सब्सक्राइब का है, तो दबाकर मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम अपना VM Oracle का वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपने सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं काली लिनक्स के, जब तक ये सिस्टम स्टार्ट हो जाता मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से वाईफाई अडाप्टर आपने लेने हैं जो काली लिनक्स को सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी लैपटॉप की अपनी वाईफाई है, अगर आपने लैपटॉप में काली लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर भी आपको अडाप्टर लेना पड़ेगा। तो चलें आज हम देखते हैं कि कौन से अडाप्टर हमें लेने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि TP-Link का आप ये वाला वाईफाई अडाप्टर जो आपके सामने पड़ा है, ये सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये ले सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है और इसमें आपको कोई किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वाला राउटर ले, ये वाला वाईफाई अडाप्टर ले सकते हैं, ये आपको 1500 तक मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाईफाई अडाप्टर की बात करते हैं तो ये TP-Link का, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसे छोटा है वाईफाई अडाप्टर है TP-Link TLW77220N, ये वाला मॉडल आप ले सकते हैं TP-Link का। ये बिल्कुल ही थोड़ा कम एक्सपेंसिव मॉडल है, लेकिन ये TP-Link के अडाप्टर बिल्कुल काली लिनक्स को सपोर्टेड होते हैं, इसलिए आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। ये आपको मैं ये दिखा दूँ, ये आपको पहले वाला अडाप्टर बिल्कुल इस तरह के डब्बे में मिलेगा TP-Link का, 150 MBPS हाई पावर वायरलेस USB अडाप्टर है ये, और ये आपके काली लिनक्स में अच्छा सपोर्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा वर्चुअल बॉक्स आ चुका होगा, ये देखें इसका यूज़र नेम हमेशा रूट होता है, किसी को परेशानी हो तो वो पूछ सकता है। मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ, ये मेरा वर्चुअल बॉक्स लोड हो रहा है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये यहाँ पे मेरी वाईफाई आ रही है, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल ये किस तरह आप अपनी वाईफाई को यहाँ से, जब आप काली लिनक्स में अपनी वाईफाई इनेबल करेंगे तो यहाँ से आपकी वाईफाई ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि काली लिनक्स के वाईफाई की जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफ़ी दोस्तों को, तो ये किस तरह हल करने हैं। तो ये देखें, सबसे पहले ये आपको जो दो वायर बननी नज़र आ रही है, थर्ड नंबर पर ये जो वीडियो कैमरे का आइकन है, इसके साथ आपको ये वायर नज़र आ रही है। इसके नीचे ये देखें, इधर लिखा है वायर कनेक्टेड प्रॉक्सी नन और रूट, बिल्कुल आपको यहाँ पे कहीं वाईफाई का नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। आपने इधर वर्चुअल बॉक्स में आना है, यहाँ से आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग से ये आपने यहाँ से USB पे आ जाना है। जब आप यहाँ से USB पे आ जाएंगे, नेटवर्क पे को आपने नहीं छेड़ना, वो नेटवर्क इसका अपना होता है, यहाँ से आपने USB पे क्लिक कर देना है। यहाँ से USB में देखें, इधर कुछ चीज़ भी नहीं है, इसका मतलब है काली लिनक्स के साथ कोई USB नहीं अटैच। हालांकि ये देखें, ये नीचे आपको मेरी वाईफाई नज़र आ रही है, ये वाईफाई मेरी अटैच है। तो ये देखें, आप यहाँ से ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रस्ट इंटरनेशनल BV USB माउस, उसके बाद ये मेरी एक फ्लैश ड्राइव है वो दिखा रहा है PNY USB फ्लैश ड्राइव। थर्ड नंबर पे आपको नज़र आ रहा है Re-Link 802.11n WLAN 010, आपने थर्ड वाले को कर देना है। आपका जो भी अडाप्टर है उसके आगे लिखा होगा WLAN LAN 010 वगैरह इस तरह, आपने इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ओके कर देना है। जब ये आप ओके करेंगे उसके बाद आपने ये जो आपका पहला खुला होगा काली लिनक्स का, इसको आपने शट डाउन करना है, बल्कि रीस्टार्ट जैसे आप कर लें तो बेहतर। उसके बाद ये हमारा वर्चुअल बॉक्स दोबारा लोड हो रहा है। थोड़ा वेट करें, ये मेरा अभी मैंने अडाप्टर लगाया है तो ये उसको पिक करने में थोड़ी देर लग जाएगी। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने अर्थनेट केबल अटैच की हुई है तो उसको
फ़ौरन से अपने कंप्यूटर से उतार दें। अगर आपने एथरनेट केबल अटैच की होगी तो आपका ये वाईफाई का एडाप्टर बिल्कुल ये पिक नहीं करेगा, इसलिए आपने अगर एथरनेट केबल अपनी प्लग की हुई है तो उसको काइंडली उतार दें। एथरनेट केबल नेट वाली वायर्ड केबल, यहाँ से आपको वायर्ड कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखा है आपने, ये बिल्कुल मेरा नीचे ये डिस्कनेक्ट हो गया। जो ही ये देखें, ये आपको ये जो यूएसबी का आइकन बना रहा है इस पर, ये देखें लिखा आ गया। इस पर आप माउस अपना बिल्कुल रखेंगे तो लिखा आ जाएगा रेलिंक 802.11 एंड WLAN 0। ये इसने हमारा पिक कर लिया। तो नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जहाँ पे वाईफाई शो होती है, बिल्कुल ये देखें हमारी वाईफाई बिल्कुल डिसेबल हो गई है। ऐसे लग रहा है आपने कुछ वाईफाई अडाप्टर नहीं लगाया। दरअसल ये बात यह है कि पहली लिनक्स ने हमारी वाईफाई को ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। ये लिखा आ गया है डोमेन्स फाउंड इन पैकेज 0 वगैरह। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है काली लिनक्स का, ये जो फोर्थ नंबर पे दो कंप्यूटर्स बने हैं उसके साथ एक यूएसबी टाइप की केबल बनी है। ये देखें, इस पे जब रेड लाइट ब्लिंक करेगी ना तब आप समझ जाएं कि आपका इसने वाईफाई अडाप्टर पिक कर लिया है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, वाईफाई इनेबल करना बिल्कुल ईजी है। ये देखें, ये हमारा ये यूएसबी आइकन पे रेड लाइट लगातार ब्लिंक करेंगी। यहाँ से मैं अपना यूजर नेम दे देता हूँ रूट, और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। ये देखें, नीचे से हमारा बिल्कुल नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपने आप एक वक्त पे एक या विंडो पे वायरलेस अडाप्टर यूज कर सकते हैं या काली लिनक्स पे। फिलहाल ये काली लिनक्स ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये काली लिनक्स पे किस तरह वाईफाई वर्क करती है। तो ये देखें, ये हमारे सामने काली लिनक्स का इंटरफेस आ गया है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर का वर्क स्पेस 1 का ऑप्शन है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग वाला है, इसके साथ ये वायर जो बनी है। वायर पे हम जब क्लिक करेंगे तो पहले इधर यहाँ पे वायर्ड कनेक्टेड के नीचे नहीं लिखा आ रहा था वाईफाई, अब ये इधर लिखा आ गया है वाईफाई नॉट कनेक्टेड। ये देखें, अब यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है तो ये लिखा आएगा टर्न ऑफ सेलेक्ट नेटवर्क। सेलेक्ट नेटवर्क को करेंगे, फिलहाल 2 मिनट ये स्कैन होगा और उसके बाद आपकी वाईफाई शो हो जाएगी। आपको अब यकीन तो आ गया यहाँ पे वाईफाई आ गई है। वाईफाई का पहले इधर ऑप्शन तक नहीं आ रहा था, अब ये यहाँ पे बिल्कुल वाईफाई इनेबल होगी ये वर्चुअल बॉक्स में। ये आपका थोड़ी देर लगाएगा नेटवर्क पिक करने में, अलबत्त ये हमने अभी पहली बार लगाया है इसका लिनक्स में वाईफाई इनेबल करके, तो ये थोड़ी देर लगाएगा। तो चले, ये आपका नेटवर्क पिक कर लेगा। मैं आपका टाइम हरगिज़ वेस्ट नहीं करना चाहता, यहाँ से मैं अपना वर्चुअल बॉक्स पावर ऑफ कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वापस किस तरह लाना है। अब आप यहाँ पे काली लिनक्स जब आपने यूज़ करना होगा तो आप जो मेथड मैंने आपको बताया वो आप अप्लाई करें। अब ये देखें, जो ही हम इसको पावर ऑफ करेंगे नीचे हमारी वाईफाई आ जाएगी। ये देखें, ऑटोमेटिकली ये हमारी वाईफाई सारी आ गई है। यहाँ से आपने जब दोबारा काली लिनक्स का वर्चुअल बॉक्स या वाईफाई आपने यूज़ करनी होगी तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होगा। जब आप यूँ ही स्टार्ट करेंगे यहाँ से नीचे से ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी और आप अपना ये यूज़ कर सकेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और इसके साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अपडेट्स देख सकें। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक मेरी वीडियोज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट